हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हाँ जी मनोज, हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आज फर्स्ट क्लास है इसकी, पहला ही लेक्चर आज हम लोग लेने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। मिराज, फर्स्ट ही क्लास आज हम इसकी लेने वाले हैं अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी 2 मिनट में। मैं उससे पहले, गुड मॉर्निंग उमेश, गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग मिराज अख्तर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भी सुबोध कुमार है, सुबोध कुमार। मैं अन अकेडमी से आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में, हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के 5 पार्ट आने वाले हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हम लोग 5 पार्ट करेंगे। ये है हमारा पार्ट नंबर 1। इस चैप्टर के हम लोगों को 5 पार्ट्स कवर करने हैं, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 1 से। और ये पूरा का पूरा चैप्टर हम डेली आज से 27 से लेकर के 31 तक इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हम लोग पढ़ रहे हैं एज पर सीए फाउंडेशन कोर्स। जो हमारा सीए फाउंडेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं अन अकेडमी के सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में। उमेश, 11th के लिए भी पढ़ सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। सीए फाउंडेशन में वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 11th वाला नहीं पढ़ सकते, आप 11th वाला भी पढ़ सकते हैं। सीए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन में वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है जो अपना सीए फाउंडेशन के अंदर आता है। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम, सीए आइकॉनिक प्रोग्राम क्या है ये? इसके अंदर देखो बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं अन अकेडमी के 2 फीचर्स। पहला फीचर, अन अकेडमी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है। पहला फीचर, अन अकेडमी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करता है। दूसरा फीचर, अन अकेडमी प्लस क्लासेस प्रोवाइड करता है। प्लस में सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट आपसे लेते हैं और वहां पर प्रॉपर बैचेस चलते हैं। अन अकेडमी यूट्यूब क्लासेस कराता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी फ्री होती हैं। अब अन अकेडमी लेकर के आया है अपना आइकॉनिक प्रोग्राम। इस आइकॉनिक प्रोग्राम के अंदर क्या मिलेगा आपको? इसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 28 से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड थिंग, इस प्रोग्राम की जो है वो ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको प्लस बेनिफिट के साथ साथ मिलने वाले हैं एक पर्सनल कोच, जो आपको हेल्प करेंगे सीए बनने के लिए। बुक्स आपको अन अकेडमी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर आपको मिलेगा। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, आप अपनी लर्निंग को ट्रैक कर सकते हो कि आप कितना पढ़ चुके हो। आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। चैनल मिलेगा डिस्कशन के लिए, सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट, और साथ साथ प्लस बेनिफिट तो है ना। प्लस बेनिफिट के साथ ही 5 अलग से बेनिफिट आपको और मिल जाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें अपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो प्लस के साथ साथ कुछ और बेनिफिट भी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। प्लस के बेनिफिट तो हैं ही, उसके अलावा कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, डेडिकेटेड चैनल एंड सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट। फीस क्या होगी सर? इस प्रोग्राम की जो फीस है वो है 12 मंथ के लिए 42,550। 1 मंथ के लिए आपको 3,545 का पड़ेगा, और 12 मंथ के लिए है ये, 24 मंथ के लिए है 64,550। 2690 यानी अराउंड 2700 का आपको मंथली ये प्रोग्राम पड़ जाएगा।
अगर आप लगाते हैं इसके अंदर मेरा कोड जो है सुबोध सर 10, अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो इस कोड से आपको मिलेगा 10% का बेनिफिट, 10% का आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। तो 10% का डिस्काउंट आपको इस कोड को लगाने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। Join our iconic subscription. Iconic. इन्फॉर्मेशन चल रही है श्री राम के बारे में, और इस बैच को ज्वाइन करने से आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बता दिया है कि क्या क्या बेनिफिट इस बैच में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और इसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो अन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। चलिए अब हम अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पर आते हैं। बच्चों हमें पढ़ना क्या क्या है, ये हमारे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एरर यहाँ पर पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन में एरर कैसे होती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, पहले हम सीखेंगे एरर होती कैसे, उसके बाद हम सीखेंगे एरर को रेक्टिफाई कैसे करना है। पहले तो हम एरर्स के साथ इन्वॉल्व होंगे कि एरर कैसे हो जाती हैं, गलतियां हो कैसे जाती हैं, उन गलतियों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी कैसे कैसी एरर हो सकती हैं। बच्चों एरर दो टाइप की हो जाती हैं, सिंगल साइडेड भी होती है और डबल साइडेड भी होती है, यानी एक साइड की एरर होगी या दो साइड की एरर होगी, वन साइडेड या टू साइडेड एरर। हम समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट हमें कब ओपन करना होता है, सस्पेंस अकाउंट हम कब ओपन करना चाहते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टेक्निक्स को हम सीखेंगे कि एरर्स को कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आपको देखेंगे बच्चे, हमारे पास दो टाइप की एरर लिखी हुई है। पहली जो एरर है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरी एरर होती है बच्चों क्लेरिकल एरर्स। प्रिंसिपल एरर्स, क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर में दो तरह की गलतियां, तीन तरह की गलतियां आती हैं, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब जो हम कोई एंट्री भूल जाते हैं लिखना। देखो अगर मैं जर्नल एंट्री भूल गया हूं पूरी की पूरी तो मैं बोलूंगा कंप्लीट ओमिशन। लेजर पोस्टिंग में कई बार हम डेबिट साइड लिख देते हैं क्रेडिट साइड भूल जाते हैं, या क्रेडिट साइड लिख देते हैं डेबिट साइड भूल जाते हैं, या फिर जब हमने ट्रायल बैलेंस में लेजर पोस्टिंग को ट्रांसफर किया, जो लेजर्स के बैलेंस थे उनको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया, उस टाइम पर हम भूल गए उसको ट्रांसफर करना, तो ये मेरी एरर ऑफ ओमिशन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, कुछ कमी हो जाएगी कहाँ कहाँ पर, या तो गलती रिकॉर्ड करने में या लेजर पोस्टिंग करने में, कास्टिंग मतलब टोटलिंग, टोटलिंग करने में गलती हो जाएगी, या जब आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो वहां पर आपसे मिस्टेक हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों हमारे पास होती हैं कंपनसेटिंग एरर्स, ऐसी एरर्स जिनको हम कंपनसेट कर देते हैं, एक एरर दूसरी एरर को हाइड कर देती है, ऐसी एरर जो एक एरर दूसरी एरर को हाइड कर दे उसको हम बोलते हैं बच्चों कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। एक एग्जांपल है उसके थ्रू हम कुछ एरर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो एक छोटा सा केस मैंने यहाँ पर डाला है, क्रेडिट परचेज हुई 17,270 की, अच्छा
क्रेडिट परचेज हुई 17,270 की, ठीक है। आर एंटर्ड, देखो बच्चों, एंटर्ड, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी वर्ड लिखा हो एंटर्ड, तो एंटर्ड का मतलब होता है सर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से इसका मतलब है, यानी कि आपसे एंट्री करते वक्त गड़बड़ हो गई। आर एंटर्ड इन दी परचेज बुक एज 17,720। ओहो, गलती क्या हुई, 17,270 को ये लिख दिया आपने। आपने तो अपनी परचेज बुक को बढ़ा दिया, परचेज डे बुक जो थी उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। यानी आपकी गलती कहाँ हुई, जर्नल में। मैंने आपको बताया परचेज डे बुक क्या होती है सर, परचेज बुक तो जर्नल का ही पार्ट होती है, तो जर्नल में आपसे मिस्टेक हो गई। और कितने की मिस्टेक हुई, कितने की मिस्टेक हुई बच्चे, 450 रुपीज की गलती हमसे हो गई, 450 रुपए की गलती मुझसे हो गई है, ठीक है। और आगे देखो, क्रेडिट सेल्स ऑफ 15,000, 15,000 रुपए की क्रेडिट सेल है, लेस करेंगे 1% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 150 का हम ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर लेंगे। रॉन्गली एंटर्ड, एंटर्ड अगेन, व्हाट इज द वर्ड एंटर्ड, एंटर्ड का मतलब फिर से गलती कहां हुई, जर्नल में। सर लेजर में गलती होगी तो कौन सा वर्ड होगा, लेजर में जब भी गलती होती है तो पोस्टेड वर्ड मिलेगा, डेबिटेड वर्ड मिलेगा, क्रेडिटेड वर्ड मिलेगा, इस टाइप के वर्ड। ये आगे मैं आपको लिखवाऊंगा अभी, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही समझा रहा हूं एग्जाम्पल के थ्रू। तो एंटर्ड मीन्स जर्नल में, इन द सेल्स डे बुक एट रुपीज 15,000, गलती कहाँ हुई सर, ट्रेड डिस्काउंट था 1% का, वो तो माइनस ही नहीं किया। तो आओ जरा देखते हैं सेकंड एरर क्या हुई, 15,000 की थी सेल्स, उसमें से मुझे 150 माइनस करना था, लेकिन मैंने जो लिखा वो पूरा 15,000 रुपये अपनी सेल्स बुक में लिख दिया। ओहो, पूरा का पूरा 15,000 रुपये सेल्स बुक में लेकर के चले गए, ये तो गलती हो गई। ठीक है चलो, आओ, दो गलतियां मेरे को दिख गई हैं, अभी मैंने इन गलतियों का नेचर नहीं बताया कौन सी गलतियां हैं, ठीक है। फिर देखो क्या कहता है, चेक इशूड 19,920 आर रॉन्गली एंटर्ड इन दी क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम इन दी कैश बुक। अच्छा, जब मैं किसी को चेक इशू कर रहा था तो मुझे कैश बुक के क्रेडिट में लिखना था, बिल्कुल लिखना था, कितना लिखना था, 19,920, लेकिन गलती से मैंने क्या लिखा, 19,290, कितने का फर्क आ गया, 630 रुपीज का फर्क आ गया। इन एरर्स को जरा ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट वाली एरर है, जो ये फर्स्ट वाली एरर है, ये हुई है मुझसे रिकॉर्डिंग में गलती, रॉन्ग अमाउंट। अभी अभी प्रीवियस चार्ट में हमने क्या देखा, एरर इन रिकॉर्डिंग पोस्टिंग कैरिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। तो बच्चों ये जो एरर है ना, ये मुझसे एरर ऑफ कमीशन हो गई, एरर ऑफ कमीशन, ये वाली भी रॉन्ग अमाउंट है, तो एरर ऑफ कमीशन हो गई, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन हो गई सर, ठीक है। सॉरी, तो एरर ऑफ कमीशन हो गई। और इसके अलावा जो ये बीच वाली एरर है जिसमें मैंने डिस्काउंट को लिया ही नहीं, इसके अंदर एक तो मुझसे हुई है ओमिशन, और साथ ही साथ मुझसे हुआ है इसके अंदर कमीशन, एरर ऑफ कमीशन प्लस ओमिशन, क्योंकि मैं डिस्काउंट को लिखना भूल गया हूं, मेरे दिमाग से निकल गया है कि मुझे डिस्काउंट भी एरर के अंदर शो करना था, और मैंने वो डिस्काउंट शो ही नहीं किया है, मैंने वो डिस्काउंट को शो ही नहीं किया, तो गलती मुझसे दो दो जगह पर हो गई है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आओ जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने एरर के लिए लिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से और इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको रेक्टिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ एरर्स कहाँ कहाँ होती हैं। देखो, जनवरी के मंथ में टोटल ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का टोटल कितना था, 175,700। दिस इज रॉन्गली टोटल्ड। ओहो, टोटल्ड तो मैंने बताया था आपको, भी पीछे चार्ट में देखा था ना, टोटल के लिए लिखा होता है कास्टिंग। रॉन्गली टोटल्ड एज 176,700 एंड पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। अच्छा, सेल्स अकाउंट में पोस्ट भी कर दिया 176,700। एक बार ध्यान से देखो, सेल्स बुक कैसे बनाते हैं हम लोग। हम लोग सेल्स बुक को बनाते हैं कुछ इस टाइप से। सेल्स बुक बनती है, इसके अंदर ए बी सी काफी सारे कस्टमर होते हैं। उन सभी कस्टमरों का जब मैंने टोटल किया, तो मैंने टोटल किया इसका 176,700। लेकिन जब मेरा टोटल देखा, मैंने बाद में पता लगा इसका टोटल तो 175,700 ही था। बच्चों, जो ये टोटल होता है ना सेल्स बुक का, इसको हम लोग सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। सर, सेल्स अकाउंट कहाँ बनेगा? देखो, लेजर पोस्टिंग जब आप करोगे ना, तो सेल्स अकाउंट बनाओगे इस तरीके से, टी शेप अकाउंट एक बनाओगे, सेल्स अकाउंट इसको नाम देंगे हम लोग। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। इस सेल्स अकाउंट के अंदर क्या होगा सर? ये जो सेल्स बुक है, इसका जो टोटल होता है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सेल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं ना जर्नल एंट्री में, मिस्टर महेश से को बेचा या ए को बेचा तो ए डेबिट टू सेल्स, बी को बेचा तो बी डेबिट टू सेल्स, यही करते हो ना। तो ए बी सी सबको डेबिट करके मुझे सेल्स को क्या करना था, क्रेडिट करना था इन सभी के नाम से, ए बी और सी। और यहाँ पर इसका जो टोटल था, इसका टोटल जो था 176,700 मैंने ले लिया। तो इससे होगा क्या कि मेरा जो सेल्स अकाउंट का टोटल है 176,700 आएगा, 176,700 आएगा, जबकि मेरे कस्टमर्स का टोटल जो होगा, जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे जो डेटर्स हैं, मेरे डेटर्स का टोटल आएगा सर 175,700। डेटर्स का टोटल आएगा 175,700। इससे क्या होगा, जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा, जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा, छोटा सा ट्रायल बैलेंस बना करके देख लेते हैं। जब मैं अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा ना, तो मैं दो आइटम दिखाऊंगा। एक तरफ तो दिखाऊंगा सर मैं अपने डेटर्स को, बिल्कुल डेटर तो दिखाने ही पड़ेंगे, और दूसरी तरफ हम दिखाएंगे अपनी सेल्स। डेटर तो हम दिखाएंगे 175,700 है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी 175,700, और सेल को मैं दिखाऊंगा 176,700। तो इन दोनों में आप देखोगे कि यहां पर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितना है, 1,000 का। अब ये 1,000 का डिफरेंस मेरे ट्रायल बैलेंस में आ गया, इसको बोलते हैं डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। इस डिफरेंस को मैं कहीं ना कहीं प्लेस करूंगा, और इस डिफरेंस को मैं कहाँ प्लेस कर देता हूँ ले जा करके, कि मुझे नहीं पता है डिफरेंस क्यों आ गया, इसीलिए मैं इसको सस्पेंस अकाउंट में अभी डाल रहा हूँ। हम एक अकाउंट खोल लेते हैं तब तक के लिए, जब तक मेरी गलती मुझे पता नहीं लगती, तब तक के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी के एग्जाम्पल के बेस पर हम एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का, ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम लोग एरर्स के टाइम को समझेंगे, कहाँ पर एरर हुई है, एरर कहाँ पर हुई है, हम इस बात को समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि
कि गलती कहाँ पर हुई है मुझसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ना एक परचेज बुक बना लेते हैं पहले। पहले हम क्या बनाते हैं, एक परचेज बुक बना लेते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर फॉर्मेट बन गया परचेज बुक का। मेरे चार कस्टमर्स हैं, उनके मैं नाम दे रहा हूँ, ए बी सी और डी। सप्लायर्स, मैंने गलती से कस्टमर बोला। मेरे चार सप्लायर्स हैं, मैंने इनसे सामान को परचेज किया है। अमाउंट कितना है सर परचेज का? बिल्कुल समझिए सर, परचेज का अमाउंट है मेरा, इसका है 2 लाख रुपीस। बी से मैं खरीद रहा हूँ 3 लाख का सामान। सी से मैंने 1 लाख का सामान ही परचेज किया है और डी से मैंने खरीदा है 20,000 का ओनली। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका टोटल कितना आना चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए सर, इसका टोटल कितना आना चाहिए? इसका हम लोग करते हैं टोटल, तो टोटल आना चाहिए 2 लाख 3 लाख 5 6 6 लाख 20,000। गलती से मुझसे क्या हुआ, 6 लाख 30,000 हो गया, जबकि इन सबका टोटल कितना है, 6 लाख 20,000। यहां पर हम लिखते हैं बच्चों, परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। ठीक है, ये मेरा परचेज बुक मैंने बनाई। अब इस गलती को जरा हम ट्रायल बैलेंस तक लेकर के जाते हैं, ट्रायल बैलेंस तक लेकर के जाते हैं। मैंने अभी आपको रेक्टिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ गलतियाँ कहाँ होती हैं। परचेज बुक में मुझसे गलती हो गई, हम इस परचेज बुक को ट्रांसफ़र करते हैं लेजर पोस्टिंग के थ्रू लेजर में। तो आइए मेरे साथ कुछ लेजर अकाउंट बनाइए। कितने अकाउंट बनेंगे, ए बी सी डी, चार अकाउंट ए बी सी डी के और एक अकाउंट बनेगा मेरा परचेज का। ठीक है, चार अकाउंट ए बी सी डी के और एक अकाउंट मेरा क्या बनेगा, परचेज का अकाउंट मेरा बन जाएगा। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं सर, ए पहले अकाउंट बनाते हैं उसके बाद ए बी सी डी लिखेंगे। ये लीजिए, एक अकाउंट मेरे कस्टमर ए का बन गया, एक अकाउंट मेरे कस्टमर बी का बन गया। छोटे छोटे इसलिए क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा खास लिखना ही नहीं है, मुझे समझाने के लिए बनाना है सिर्फ, आप लोगों को समझ में आ जाए ये बड़ी बात होगी। उसके बाद डी, ये बन गए मेरे ए बी सी डी के अकाउंट और लास्ट में अपना परचेज अकाउंट और सबसे लास्ट में हम बनाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। ये लीजिए सर, यहाँ पर सारे के सारे अकाउंट विद ट्रायल बैलेंस मैंने बना लिए। ठीक है सर, पेन की इंक को थोड़ा उसकी मोटाई कम कर लेते हैं। अच्छा सर, ए बी सी और डी यही है ना? हाँ जी, ए बी सी डी और ये है परचेज और यहां बनेगा अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है बच्चों, मुझसे गलती कहाँ हुई, यहां पर टोटल में गलती हुई, इसको बोलते हैं मुझसे जो एरर हुई वो जर्नल में हुई, मुझसे जो एरर हुई है वो जर्नल में हुई है और ये एरर मुझे सिंगल साइड एरर दिख रही है। सर सिंगल साइड कैसे, आओ बताता हूँ, देखो कैसे सिंगल साइड, ये वन साइडेड कैसे है, वन साइडेड इसलिए है कि मेरा टोटल गलत है लेकिन सारे अकाउंट जो है वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। अकाउंटों में गड़बड़ नहीं है, टोटल में गड़बड़ है। तो आओ जरा ट्रांसफर करते हैं, ए बी सी डी ये सब परचेज अकाउंट डेबिट होता है सर, परचेज अकाउंट को आप टोटल से डेबिट कर दोगे,
630,000 से, मैं स्पेस की वजह से 630 ही लिख रहा हूँ, 630,000 से आप परचेज को डेबिट कर दोगे। ठीक है सर, हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या होगा? इनके अपने पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट तो ठीक लिखे हुए हैं ना, ए के अकाउंट में 2 लाख था, ठीक है 2 लाख, बी के अकाउंट में 3 लाख था, इसके अकाउंट में 3 लाख सही पहुंचा, इसके अकाउंट में 1 लाख था, 1 लाख सही पहुंचा, और इसके अकाउंट में 20,000 था तो इसमें 20,000, अकाउंट में सब में सही गया है। तो देखो जब यहाँ पर मैं टोटल करूँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज अकाउंट, सर परचेज अकाउंट कितना है, मैं बोलूँगा सर परचेज अकाउंट 630 है, और कस्टमर जो हमारे क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर के अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है सर 20,30 है, अरे सर ये तो 620 आ रहा है। अगेन मेरा क्रेडिट साइड में कुछ डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, इस डिफरेंस को हम कहाँ प्लेस कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट के अंदर प्लेस कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए बच्चों, मुझे एक बात बताइए, गलती मुझसे हुई वन साइडेड, वो भी कहाँ हुई, जर्नल में। जब भी गलती, जब भी एरर जर्नल में होती है, जब भी एरर जर्नल में होती है, देखिए एरर दो जगह पर होगी, एक एरर होगी जर्नल में, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, इसके लिए आपको दो वर्ड लिखे मिलेंगे, कीवर्ड क्या होंगे इसके लिए, आप कैसे पहचानोगे जर्नल की गलती है, आप देखोगे सर इसके लिए वर्ड मिलेगा एंटर्ड और रिकॉर्डेड, इसके लिए दो वर्ड आपको मिलेंगे, एक वर्ड मिलेगा एंटर्ड और एक आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, ठीक है। दूसरा, आपकी गलती हो सकती है लेजर में, लेजर में गलती होगी सर कैसे होगी ये तो बताया नहीं, चलो पहले एक काम करते हैं, हम लेजर में गलती कैसे होती है वो समझ के आते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, मैं लेजर में ट्रांसफर कर रहा था, लेजर पोस्टिंग कर रहा था, तो लेजर पोस्टिंग करते वक्त मैंने इस 20 को जो 20,000 है ना डी का बैलेंस, मैंने इसको भी 2 लाख समझ लिया और यहाँ पर 2 लाख लिख दिया। ओहो, अगेन मिस्टेक, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एरर इन लेजर। अच्छा लेजर में जो गलती होती है वो होती कब है, जब आप अमाउंट को जर्नल से उठा करके लेजर में फिट कर रहे हैं तब आपसे गलती होती है, तो उसको बोलते हैं एरर में मिस्टेक, सॉरी तब आप उसको बोलते हैं लेजर में मिस्टेक। तो लेजर में जब मिस्टेक होती है तो आप देखिए जरा, जब भी लेजर में मिस्टेक होगी तो आपको कुछ ऐसे वर्ड देगा, पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग, पोस्टिंग में गलती हो गई, एरर इन डेबिटेड, डेबिट साइड का अमाउंट है तो एरर इन डेबिटेड, डेबिट करने में गलती हो गई, लिखा मिलेगा एरर इन क्रेडिटेड, क्रेडिट करने में गलती हो गई। जब इस टाइप के अमाउंट आपको लिखे हुए मिलेंगे तो वो गलती आपकी लेजर पोस्टिंग की गलती कहलाएगी, यानी लेजर पोस्टिंग में होने वाली मिस्टेक वो कहलाएगी, ठीक है। तो एरर इन रिकॉर्डिंग में, एरर इन रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल की गलती, एरर इन पोस्टिंग मतलब लेजर की गलती, ठीक है। मैंने आपको दो तरह की एरर बता दी, 200 यहाँ पर हो गया जबकि था 20,000, यहाँ टोटल मेरा गलत हो गया, इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा सर, ये जो 200 बना दिया है हमने इसको 220 को, सर क्या फ़र्क पड़ेगा आप खुद देख लीजिए, 2 2 4 4 और 4 8, इसका टोटल 8 लाख हो जाएगा, और अब आपका सस्पेंस अकाउंट 170 से यहाँ दिखाई देगा, तो गलती तो ये भी हो रही है। अच्छा सर ठीक है, आपने मुझे ये बता दिया कि गलती इस तरीके से हो सकती है, तो सर ये गलतियाँ ठीक नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी ठीक, कब करेंगे इनको ठीक। देखो बच्चों, एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मेरे पास कई सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं एरर्स को रेक्टिफाई कर सकता हूँ, सब्जेक्ट टू मुझे एरर का पता चल जाए, अगर मुझे एरर का पता ही नहीं चलेगा तो मैं रेक्टिफिकेशन कैसे करूँगा। अब मान लीजिए
यहाँ पर इसका टोटल था 620, मैंने गलती से लिखा 6,30,000, मैंने गलती से लिखा 6,30,000। तो जब मैंने गलती से इसको 630 लिख दिया, तो इस एरर को मैं रेक्टिफाई कैसे करूँ? मुझे यहीं पर जब मैंने टोटल किया, मैंने दोबारा चेक किया, यहीं एरर पता लग गई, तो मैं इसको यहीं ठीक कर दूंगा, पता है, इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे एरर पता लगती है जब मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ लेजर पोस्टिंग में। लेजर पोस्टिंग में जाने के बाद मुझे एरर का पता लगता है, ओहो मुझसे यहाँ पर सर एरर हो गई है, तो मैं इसको ठीक कैसे करूँगा? सर आपने परचेज अकाउंट को प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, परचेज अकाउंट का टोटल आपने 10 से बढ़ा दिया, तो एक काम करिए, परचेज अकाउंट के टोटल को कम करिए, परचेज अकाउंट के टोटल को कम करिए। और परचेज अकाउंट के टोटल को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर मैं अगर यहाँ पर 10 लिख दूँ तो मेरा परचेज अकाउंट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि 10 लिखते ही इसका टोटल करके जब बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस वापस से 620 हो जाएगा, और ये मेरा करेक्ट बैलेंस है। ये मेरा क्या है? करेक्ट बैलेंस है। जब भी मैं एरर को लेजर पोस्टिंग के अंदर ही रेक्टिफाई कर दूंगा, जब भी मैं एरर को लेजर पोस्टिंग के अंदर ही रेक्टिफाई कर दूंगा, लेजर पोस्टिंग के अंदर ही रेक्टिफाई कर देंगे, यानी मैं लेजर पोस्टिंग से बाहर ही नहीं आया, ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, तो इसको बोलते हैं बच्चों रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही रेक्टिफिकेशन हमने कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। मैंने इसको रेक्टिफाई कर दिया, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पहले ही हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया। 11th क्लास में आपको टीचर ने बताया होगा ना, टू और बाय करके रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिखने से ही हम एरर को रेक्टिफाई कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते बाद की बातों पर, हम लोग जाते ही नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट से एंट्री पास कर देते हैं। अच्छा ऐसे होता है, हाँ जी ऐसे होता है। अब मान लीजिए ये जो एरर हुई लेजर में, ये मुझे पता ही नहीं लगती, मुझे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट दिखाई देगा। सस्पेंस अकाउंट को ठीक करने के लिए मैं अपनी जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग सब कुछ दोबारा से छानबीन करूँगा, तब जा कर के मुझे पता चलेगा कि जो मुझसे एरर हुई थी ना, वो डी के अकाउंट में हुई थी, डी के अकाउंट में। अब देखिए एरर की वजह से यहाँ सस्पेंस अकाउंट आ गया, डी मेरा अभी भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, डी का मैंने टोटल किया, डी का टोटल 200 रुपये आ रहा था, 200 यानी 200 2 लाख रुपीज़ आ रहा था। अब मैं इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करूँ? ट्रायल बैलेंस बन चुका है, सस्पेंस आ चुका है, तो मैं एक अलग से जर्नल एंट्री पास करूँगा रेक्टिफिकेशन की, और वो जर्नल एंट्री क्या पास करूँगा? सर डी के अकाउंट में डेबिट करना है, डी के अकाउंट को कम करना है, कम करने के लिए, क्योंकि डी एक क्रेडिटर है और डी के अकाउंट को क्रेडिट से बढ़ा सकते हैं लेकिन डेबिट से कम कर सकते हैं। डी का अकाउंट बढ़ा हुआ है तो डी के अकाउंट को कम करने के लिए सर इसके अकाउंट में तो क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा डी के अकाउंट में, तो डी को हम लोग कर लेंगे डेबिट। और यहां पर लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 180। अरे सर एक गलती, ये 10 रुपये वाली भी तो रहेगी जिसमें आपने परचेज, ठीक है परचेज वाली को भी ठीक कर लेते हैं। सर एंट्री क्या पास होगी? परचेज को करना है क्रेडिट, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। टू लिखेंगे सर परचेज 10 रुपीज से, ठीक है। ये दो गलतियां थी, दोनों की दोनों मैंने रेक्टिफाई कर दी, पर इन गलतियों को रेक्टिफाई करने का टाइम कौन सा था? इन गलतियों को रेक्टिफाई करने का जो टाइम था वो था सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये जो रेक्टिफिकेशन हुआ,
ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुआ। सर आप कह रहे हैं रेक्टिफिकेशन हो गया, हमें प्रूफ तो करके बताइए। अरे देखिए आप लोगों ने क्या किया, इसके अकाउंट में, डी के अकाउंट में जैसे ही आप 180 यहाँ बुक करेंगे तो ये हट जाएगा जीरो और 20 इसका बैलेंस रह जाएगा, ये ठीक हो गया। जैसे ही आप 10 रुपये क्रेडिट करते हैं 620 हो गया, करेक्ट हो गया बैलेंस। सर इस सस्पेंस अकाउंट का क्या होगा, बिल्कुल ये भी आपको जानना ज़रूरी है। देखो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पर बैलेंस कितना है, सर सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो 170 है। ये मैं सस्पेंस अकाउंट बना रहा हूँ, एक छोटा सा सस्पेंस अकाउंट 170। सर सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ, 180। देखो ये वाली एंट्री जरा ध्यान से, सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ 180, और फिर सस्पेंस अकाउंट में दोबारा से 10 रुपये डेबिट करना पड़ा मुझे, सस्पेंस अकाउंट में फिर से डेबिट करना पड़ा 10 रुपये। यहाँ मेरा सस्पेंस अकाउंट वापस से टोप टैली हो करके जीरो हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट मेरा जीरो हो गया। तो मैंने रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस कर दिया, ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफिकेशन कर दिया। सर क्या ऐसा भी होता है ट्रायल बैलेंस भी बन जाए और रेक्टिफिकेशन गलती का पता ही ना लगे, बिल्कुल होता है। कई बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है, सस्पेंस अकाउंट आता रहता है, हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन सी गलती है। तो जब हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, पूरी अकाउंटिंग कर लेते हैं, अपने अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाता है, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ तक हमने सीखा अभी कि हमने एरर्स को सीख लिया, प्लेसेस ऑफ एरर्स समझ लिए, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं और कहाँ कहाँ पर रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो आओ ज़रा हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम सीखते हैं स्टेजेस ऑफ एरर, गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं और उनको कहाँ कहाँ पर रेक्टिफाई हम कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होना चाहिए, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहली स्टेज, आप ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। और ये रेक्टिफिकेशन कहाँ पर होगा, ये लेजर पोस्टिंग में होगा या जर्नल एंट्री करके होगा, यानी आप जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर दीजिए, आपकी जो भी गलती थी ठीक हो जाएगी। दूसरा होता है बच्चों, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो आपको सस्पेंस अकाउंट दिखाई दिया होगा, ओहो डिफरेंस आ गया, सस्पेंस अकाउंट आ गया। तो इस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन हम कर सकते हैं। एक होता है सर आफ्टर प्रिपेयरिंग बट बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, यहां पर भी एंट्री किससे होंगी, सस्पेंस अकाउंट से होंगी। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफिकेशन कर देंगे ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। ठीक है, और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फिर कंपनी के फाइनल अकाउंट बन जाएंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे सर, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। हमने रेक्टिफिकेशन कब किया, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में किया। हमारे पास ये सभी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी कि इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, हम अगले साल में, नेक्स्ट ईयर में जाकर के रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों से हम लोगों ने एट द स्टेज ऑफ ट्रायल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, हमें रेक्टिफिकेशन समझना है एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। देखो जब मैं जर्नल एंट्री कर रहा था और मुझे एक गलती पता लगी, मुझे एक गलती क्या पता लगी, एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग मुझे गलती ये पता लगी, जो परचेज अकाउंट है
टोटल रुपीज 10 लेस। परचेज अकाउंट का जो टोटल था वो 10 रुपये कम लिया गया। अच्छा, परचेज अकाउंट के टोटल को आपने 10 रुपये कम लिया है, कोई बात नहीं, 10 रुपये कम लिया है तो इसको ठीक करेंगे। सर दो तरीके से रेक्टिफिकेशन अभी अभी आपने बताया है, हालांकि स्टेजेस तो चार हैं लेकिन मैं आपको दो बताऊंगा। एक होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इन दोनों को साथ साथ ही समझ लेते हैं, और एक होता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दो तरीके से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। देखो, जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले रेक्टिफिकेशन करते हैं तो कहाँ पर रेक्टिफिकेशन करेंगे? बहुत ही आसान है, हम लोग अपना परचेज अकाउंट बनाते हैं। हम लोग यहाँ अपना परचेज अकाउंट बनाते हैं, ठीक है सर। परचेज अकाउंट का जो टोटल था वो 10 रुपये कम लगाया गया होगा। परचेज अकाउंट होता है डेबिट, परचेज अकाउंट कौन सा होता है? डेबिट होता है, और डेबिट का टोटल आपने 10 रुपये कम लगाया है, तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? इसके डेबिट में 10 रुपये और लिख देता हूं तो ठीक हो जाएगा ना। इसके डेबिट में 10 रुपये, डेबिट कौन सी साइड होती है? ये वाली साइड डेबिट है। ये कह रहा है इसका टोटल हमने 10 रुपये कम लगाया है, चलो मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ डेबिट साइड। लेकिन नॉर्मली जो परचेज अकाउंट होता है वो डेबिट ही होता है, तो डेबिट का टोटल आपने कितने रुपए कम लगाया है? 10 रुपये कम लगाया है, तो मैं परचेज अकाउंट के डेबिट में लिख दूंगा टू परचेज बुक या परचेज अकाउंट अंडर कास्ट, यानी टोटल क्या लगाया मैंने? कम लगाया अंडर कास्ट, और इसके डेबिट साइड पर 10 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। इसको बोलते हैं बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप लोगों ने 11th क्लास में ऐसे किया होगा, आपके टीचर ने कहा होगा कि आप यहाँ पर टू लिखिए और इस तरीके से लिख दे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट बाय ₹10। ये स्टेटमेंट आपको लिखने के लिए बोला होगा। बच्चों ये स्टेटमेंट ना इस लेजर अकाउंट के अंदर ही लिखी जाती है, स्टेटमेंट को हम लेजर अकाउंट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अंडर कास्टिंग है ये इसके अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं कहा जाता कि आप अकाउंट बना बना करके दिखाइए, लेजर पोस्टिंग करके दिखाइए, हम लोग डायरेक्ट कर देते थे। लेकिन जब गलती का पता मुझे ट्रायल बैलेंस बनने के बाद चलेगा, जब मुझे पता चला कि ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी बन चुका है और इसके बाद मुझे अपनी रेक्टिफिकेशन करनी है, इसके बाद मुझे अपना एरर को रेक्टिफाई करना है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? सर जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो वो सस्पेंस में जाता है। मुझे परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना है क्योंकि मैंने परचेज अकाउंट का टोटल कम लिया हुआ है, तो मैं परचेज अकाउंट को तो डेबिट कर देता हूँ। ठीक है सर, आप एक काम करिए, परचेज अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे यहां पर, परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट कितने से? सर 10 रुपये का ही तो अमाउंट बताया आपने, ठीक है 10 से कर लेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि मेरा सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया होगा, ठीक है। ये एंट्री मैं रेक्टिफिकेशन की यहाँ पर कर दूँगा और इससे मेरा ट्रायल बैलेंस वापस से क्या हो जाता है? मैच हो जाता है। तो एट द स्टेज ऑफ जर्नल, जब मैंने जर्नल रिकॉर्ड करी तब मुझसे गलती हुई और उसका मैंने रेक्टिफिकेशन दो तरीके से समझ लिया, एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे करेंगे? सर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस को समझने के लिए ना मुझे अलग से एग्जाम्पल या क्वेश्चन लेकर के समझाना पड़ेगा, तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग बाद में समझेंगे। इसी क्लास के 5 पार्ट है,
1, 2, 3, 4, 5 ये हम पढ़ रहे हैं आज पार्ट नंबर 1। तो इसी वजह से हम लोग इसमें नहीं, इसको नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। देखो लेजर पोस्टिंग की गलती हो सकती है एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का मतलब जब लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तब गलती हुई। एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझते हैं। लेट से एक जर्नल एंट्री हुई मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल्स। ये कौन सी एंट्री है सर? ये तो क्रेडिट सेल की एंट्री है, क्रेडिट सेल की एंट्री है। क्रेडिट सेल की एंट्री कितने की? 10,000 रुपीज से। अब मेरे यहां पर ना दो अकाउंट बनते हैं, एक और दो, एक और दो। इस एरर को हम दो तरीके से समझेंगे, एक सिंगल साइड बना करके, एक डबल साइड बना करके। चलो जरा यहां पर एक एक्स का अकाउंट बना लिया, एक बना दिया सेल्स अकाउंट। दो अकाउंट बन गए। जब मैंने इसको सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया तो 10,000 क्रेडिट किया और यहां पर मैं लिखूंगा नो एरर, कोई गलती नहीं हुई मुझसे। जब मैंने एक्स के अकाउंट को डेबिट किया तो 1,000 लिख दिया, यहां मुझसे एरर हो गई, गलती हो गई। पर ये एरर एक साइड पर ही दिख रही है मुझे, सिर्फ एक्स के अकाउंट में गड़बड़ दिख रही है, मुझे ये एरर सेल्स अकाउंट के अंदर नहीं दिख रही। तो बच्चों जब भी पोस्टिंग की एरर होती है ना वो जनरली सिंगल साइड ही होती है, जनरली वो सिंगल साइड ही होती है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली वो सिंगल साइड होती है, एक साइड पर होती है। तो देखो बच्चों यहां पर देखा मैंने कि डेबिट हुआ 1,000 रुपये, जबकि होना कितना चाहिए था 10,000 रुपये। ठीक करने के लिए मुझे इसमें प्लस करना चाहिए डेबिट साइड पर 9,000, और तभी तो मेरी रेक्टिफिकेशन होगा। तो मैं इसको रेक्टिफाई कहां पर करूं? सर देखो एक तो कर सकते हो आप बिफोर ट्रायल बैलेंस, और एक आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अगर ये एरर सिंगल साइडेड है और मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस इसको रेक्टिफाई कर रहा हूं तो जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग से ही ये रेक्टिफाई होगी। यहां पर हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे डेबिट साइड पर, ये किसका अकाउंट बनाया मैंने, एक्स का अकाउंट, उसमें लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 9,000, सेल्स रिकॉर्डेड ₹1,000 इंस्टीड ऑफ ₹10,000, 10,000 की जगह ₹9,000 सेल्स मैंने लिख दी, 10,000 की जगह सॉरी 1,000 लिख दी। अब मैंने ₹9,000 डेबिट करके इसको ठीक कर दिया। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या करोगे सर? एक्स को तो डेबिट करना ही है, ठीक है, मिस्टर एक्स को डेबिट कर देंगे सर, कितने से? 9,000 से। क्रेडिट किसको करोगे सर? जब एरर सिंगल साइड होती है तो एक ही सहारा होता है मेरे पास, सस्पेंस अकाउंट का, और मैं इसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट कर लूँ। मैं इसको कहाँ डेबिट करता हूँ? सस्पेंस अकाउंट के अंदर डेबिट कर लूँ, क्रेडिट कर लूँ, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 9,000, ठीक है। हमने दो तरफ से एरर समझ ली, एक एरर इन लेजर, एक एरर इन जनरल। तो आओ जरा मेरे साथ इसको थोड़ा सा सम अप करते हैं। या तो मेरी एरर लेजर में होती है या मेरी एरर जनरल में होती है। जब मेरी एरर जनरल में होती है तो याद रखो जनरली जो एरर जनरल की होती है वो टू साइडेड एरर होती है, जनरली टू साइडेड एरर जनरल से पाई जाती है। और सेम थिंग जनरली ये जो एरर होती है जनरली
सिंगल साइडेड एरर पाई जाती है। ये टू साइडेड एरर होती हैं, ये सिंगल साइडेड एरर होती हैं। जो भी मेरी टू साइडेड एरर होती हैं, जो भी मेरी टू साइडेड एरर होती हैं, टू साइडेड एरर को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं थ्रू जर्नल एंट्री। बट विदाउट सस्पेंस, विदाउट सस्पेंस अकाउंट। लेकिन जो डबल साइडेड एरर होगी, जो टू साइड सिंगल साइडेड एरर होगी, सिंगल साइडेड एरर को ये रेक्टिफाई होगी विद सस्पेंस अकाउंट, ये रेक्टिफाई होगी विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे एरर्स की समरी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। एट द स्टेज ऑफ बैलेंसिंग द अकाउंट या बैलेंसिंग द लेजर, देखो मैं लेजर को जब बैलेंस कर रहा था तब मुझसे गलती हो गई। लेजर को बैलेंस कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। देखो लेजर क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं हमारे पास, लेजर अकाउंट। ये एक मेरा डेटर का अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा किसका अकाउंट है, लेट से ये मेरा एक डेटर का अकाउंट है। सर डेटर का अकाउंट कैसे बनता है, डेटर का अकाउंट देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा। यहां पर इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा, लेट अस अज्यूम 10,000। यहां सर इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो तो हम अभी निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस वो हो गया, यहाँ पर हम इसका क्लोजिंग बैलेंस अभी निकालेंगे। सर इसके अंदर और क्या क्या आता है, इसके अंदर आती है सिर्फ सेल्स। 1 लाख रुपीज़ की हमने इसको सेल कर दिया, इससे कुछ पैसे आते हैं तो उनको हम बाय कैश लिख करके या बाय बैंक लिख करके यहाँ दिखा देते हैं, 50,000 रुपीज़ इससे आ गया। फिर मैंने इसका किया टोटल 1,10,000 और 50 माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस बचना चाहिए 60। पर मुझसे जो गलती हुई वो ये हुई, मैंने बैलेंस लिख लिया 50। ओ माय गॉड, बैलेंस आना चाहिए था 60, लिख दिया मैंने 50। 10,000 रुपीज अपना बैलेंस कम कर दिया। तो बच्चों जब भी बैलेंसिंग करेंगे तो एरर हमेशा सिंगल साइड ही होगी, जब भी बैलेंसिंग करेंगे एरर हमेशा सिंगल साइड ही होगी, डबल साइडेड एरर नहीं बनेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जब भी हम यहां से एरर को रेक्टिफाई करते हैं ये सिंगल साइडेड एरर हो जाती है। सिंगल साइडेड एरर तो सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफिकेशन होगा, हाँ बिल्कुल रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट से होगा। लेकिन एक बात तो बताइए सर, सस्पेंस अकाउंट से तो आप आफ्टर ट्रायल बैलेंस करते हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस कैसे रेक्टिफिकेशन होगा। बहुत ही आसान है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, मैं इसी अकाउंट को आगे बढ़ा लेता हूँ। मुझे पता चला कि ये अकाउंट में गलती है, मैं इसी अकाउंट को आगे बढ़ाऊंगा टोटल के बाद। यहां लिखूंगा कितना बैलेंस है मेरे पास, कितना बैलेंस है मेरे पास, आप बताएंगे सर 50, कौन सा वाला 50 उठाया मैंने, इस बैलेंस को मैं यहां लेकर के आया। और फिर मैं यहां पर लिखूंगा टू टोटल शॉर्ट बाय रुपीज 10,000, तो मैं 10,000 यहां लिख दूंगा। वापस आप देखेंगे मेरा जो बैलेंस है वो रीस्टोर होकर के 60,000 आ जाएगा, बैलेंस मेरा रीस्टोर होकर ठीक हो गया। इस सिचुएशन को मैं बोलता हूं
रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर मेरा ट्रायल बैलेंस एक बार बन गया तो ट्रायल बैलेंस में इसका टोटल गलत पहुंचा, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका टोटल ही गलत पहुंचा तो ट्रायल बैलेंस मैच किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस किसी भी कीमत पर मैच नहीं होगा। और जब ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं होगा तो मैं एंट्री क्या पास करने वाला हूँ सर, डेटर अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा। डेटर अकाउंट को तो डेबिट करना ही है, कर भी देंगे, डेटर अकाउंट को डेबिट कर दिया सर। टू टू क्या लिखेंगे, एक ही तो है, सस्पेंस अकाउंट, एक ही तो है सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, एक ही तो है मेरे पास सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट का भी टोटल कितना है मेरे पास, 10,000। तो ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस मेरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने काफ़ी सारी नॉलेज गेन करी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को लेकर के। कल की क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे और आगे कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगा और आपसे कहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम पर इसी क्लास का पार्ट नंबर 2 लेकर के। ठीक है, मिलते हैं इसी क्लास का पार्ट नंबर 2 लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल फिर से मिलते हैं। अबे नानी की चाय पी हालत की जी गए
बजरंग बली जय श्री राम। मेरा जी तो उठा भाई, अरे भाई बात तो सुन ले, हमारे यहाँ जिले का
कर दी।